Welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we will study about acid and base. So let's start it. So first of all, we are talking about acid. What are acids? Acids are the substances which give H ion, hydrogen ion. Acids are the substances which gives H ion, that are hydrogen ion, ठीक है? और इनका जो taste होता है वो sour होता है, sour means खट्टा होता है, ठीक है? These have sour in taste, ठीक है? जो acids है हाइड्रोजन आयन की पोटेंसी के हिसाब से इनको दो ग्रुप्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कि आयनाइज जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है. और ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो जल्दी से देते हैं आयनाइज्ड. तो मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, आयनाइज्ड कंप्लीटली एंड गिव हाइड्रोजन आयन इजीली, ठीक है, जो आपको हाइड्रोजन आयन जल्दी प्रदान करते हैं और पूरे के पूरे आयनाइज्ड हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास HCl. आफ्टर दैट वी हैव नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड, इट इज H2SO4, ठीक है. और ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस से जनरली बनाया जाता है, ठीक है, ओलियम से, ठीक है. नाउ वी हैव द वीक एसिड्स. वीक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है, जो थोड़े से आयनाइज्ड होते हैं उनको वीक एसिड बोला जाता है. वीक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड एंड दीज डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयन इजीली एंड डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयन इजीली. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जनरली वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है. उसके बाद है सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड. तो ये हमारे पास वीक एसिड्स हो जाएंगे, ठीक है. तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास सबसे पहले फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड आ जाएगा. फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज जनरली फाउंड इन शोर फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड, ठीक है. एक चीज और रह गई जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो वीक एसिड होते हैं, जैसे यदि हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, उनके लास्ट में आपको OH मिलता है. तो अभी जब हम बेस की डेफिनेशन करेंगे तब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा अभी, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस. बेस के बारे में बात करेंगे अभी. जो बेसिस होते हैं, ठीक है, वो आपको हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है. द सब्सटेंसेस विच
gives OH ion. OH means hydroxyl ion. जो आपको hydroxyl ion देते हैं उनको basis बोला जाता है, ठीक है? और इनका जो taste होता है वो bitter होता है, means कड़वा होता है. जो acid होते हैं उनका जो taste होता है वो खट्टा होता है और इनका कड़वा. These are bitter in taste. ठीक है, इनका जो taste होता है वो कैसा होता है? Bitter होता है. तो ऐसे ही OH ion की basis के ऊपर हम bases को दो parts के अंदर divide करते हैं, ठीक है? Strong bases and weak bases. Strong bases. Strong base वो होते हैं जो कि hydroxyl ion जल्दी दे देते हैं, जल्दी ionized हो जाते हैं, ठीक है? Ionized fastly and give OH ion easily. ठीक है, जो कि OH ion जल्दी से दे देते हैं उनको strong bases बोला जाता है. जैसे कि हमारे एग्जांपल्स हो गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. फॉर एग्जांपल NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द नेक्स्ट वन इज KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आफ्टर दैट वी हैव वीक बेसिस. ठीक है, वीक बेस क्या होते हैं? जो कि आपको OH आयन है ना जल्दी से नहीं देते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, तो उनको वीक बेसिस बोला जाता है. आयनाइज्ड पार्शियली एंड डू नॉट गिव OH आयन easily, जो कि OH आयन जल्दी से नहीं देते हैं. तो हमारे पास कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में. कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग, तो उसमें कार्बोक्सिलिक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH होता है, यानी कि जिसके लास्ट में OH आता है, COOH आता है, वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. अब यहां पर देखिए कि जो बेसिस होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है? OH होता है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लास्ट में भी आपको COOH मिलता है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसको एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि बेस की कैटेगरी में. तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना. जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH. ठीक है, HCOOH. तो हम जनरली क्या देखते हैं? हाँ भाई, जिसके लास्ट में OH है वो क्या हो गया? बेस हो गया. बट दिस इज नॉट ट्रू. तो आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, यदि लास्ट में COOH है तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा, ना कि बेस की कैटेगरी में. एक हमारा लिटमस टेस्ट रहता है. लिटमस टेस्ट में जो बेसिस होते हैं, ठीक है, वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो लिटमस टेस्ट में आप ये याद रखना. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियोज में आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस मिल जाएंगे जो आपको एसिड और बेस के रिगार्डिंग होंगी. तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू गाइस. और हमारी जो फैमिली है वो 300 के आसपास हो चुकी है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराएं और वीडियोस को देखें प्लीज. ठीक है, ताकि मैं खुद मोटिवेट हूं आपको जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूं. और हैप्पी न्यू ईयर गाइस. थैंक यू एवरीवन.